ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले गाइस जिगर बांद्रावाले की कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इस फोटो में गाइस मैं मतलब जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, हमारा जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला था। गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी को पता होगा यार हम 20 के सब्सक्राइबर के कितने करीब हैं। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो 20 के तक कब पहुंचेंगे हम? तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को कर रहे हैं गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देन गाइस, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहां से आप सबको सिंपली अपने मॉडल को यहां पे ऐड करना है। मॉडल को ऐड करना है गाइस, ठीक है? तो इसको हम यहां पे ऐड करके इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। एंड इसको रोटेट करके गाइस हम इसका कुछ स्टेप्स ऐसे रखेंगे। एंड जो गाइस साइज होगा, आपको क्या करना है गाइस, साइज को जो है मतलब आपको जो दिख रहा होगा गाइस फोटो में जो बर्ड उड़ रहा है ऊपर की तरफ, आपको गाइस उससे आपको थोड़ा सा मॉडल को अपना छोटा रखना है, ठीक है? उसके बराबर हाइट नहीं रखनी है, ठीक है? क्योंकि वो आपसे ऊपर ही उड़ रहा है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो कुछ स्टेप से आपको मॉडल को रखना है। देन गाइस, आपको मॉडल को रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप से डन कर देना है। डन कर देने के बाद गाइस, आपको फिर क्या जाना करना है, आपसे कुछ जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी लेना है गाइस, ठीक है? ये वाला लेंस फ्लेयर का आपको सिंपली इसमें करना है क्या गाइस, आपसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन कर देने के बाद गाइस, आपसे कुछ स्टेप्स ऐसे इसका साइज को ऐसे रखना है। एंड गाइस, कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? तो उसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो। देन गाइस, आपको क्या करना है, आपसे कुछ सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ साइज, पहले साइज छोटा करके। एंड यहाँ पे गाइस ये परफेक्ट है, ठीक है? तो अभी गाइस इसको हम करते हैं यहाँ पे डन। एंड इसको डन कर देने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, आप सबको जाना दोबारा से ऐड फोटो में। समय से ऐड फोटो में चलते हैं। एंड गाइस, यहाँ से हम एक पीएनजी बोल लेंगे यहाँ पे, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ये लाइट का पीएनजी। एंड गाइस, इसको क्या करेंगे, हम इसका ब्लेंडिंग मोड पहले चेंज करेंगे, इसको करेंगे हम स्क्रीन। सो इसको हम स्क्रीन कर लेते हैं। देन गाइस, आपको फिर क्या करना, आपको कुछ स्टेप्स आपको इस जगह पे लगाना है, ठीक है? इधर लगाने के बाद आप सबको फिर इसका क्या करना है, आपको इसका एक डुप्लीकेट करना है। रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके एंड इसका डुप्लीकेट करना है। एंड गाइस, आपको कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे रख देना है, ठीक है? इधर रख देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं हम। एंड इतना कर देने के बाद गाइस, आप सबको सिंपली यहाँ पे फोटो को डन करना है। तो इतना हमारे यहाँ पे परफेक्ट है, अब यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। फिर गाइस, हम यहाँ पे एक पीएनजी और लेंगे, तो यहाँ से हम दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे। तो यहाँ से हम दोबारा ऐड फोटो से जो पीएनजी है गाइस उसको ले लेते हैं, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं इसको। एंड इसके बाद आपको इसको लेने के बाद गाइस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कुछ स्टेप से ऐड हो जाएगा। सो ऐड हो जाने के बाद आप सबको फिर क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। फिर गाइस, आप सबको क्या करना, आप सभी को इस फोटो को यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस इसमें अब करनी है हमें कलर करेक्शन। तो उसके यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। एंड इसको यहाँ से लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस, क्या करना, हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो अब यहाँ से चलते हैं हमारे इस लाइट वाले ऑप्शन में। गाइस, इसका कॉन्ट्रास्ट जो होगा आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है? एंड जो इसकी शेडो होगी गाइस, आपको उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड जो नीचे गाइस आपको व्हाइट दिख रहा है, आपको सिंपली इसको बढ़ा देना है। एंड जो ब्लैक होगा उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है? इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना, आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को आपको बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर होगा उसको हल्का सा कम कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको जाना मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेचुरेशन को माइनस कर देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस, आप ल्यूमिनस बढ़ा सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप सबको जाना है इस ब्लू येलो कलर में, इसका ह्यू चेंज कर सकते हो आप, ठीक है? तो आप ह्यू चेंज करते हैं हम इसका। एंड इसको रेड कलर में जाके आप इसका भी ह्यू थोड़ा छेड़ सकते हो, जैसा मर्जी आप करना चाहो। देन गाइस, आपको क्या करना, आपको जाना है ऐसे डार्क ब्लू में। अब सो हम ऐसे डार्क ब्लू में चलते हैं। एंड इसका ह्यू हमें करते हैं माइनस की तरफ, स्काई ब्लू कर देते हैं, ठीक है? एंड सैचुरेशन प्लस कर देते हैं। एंड यहाँ पे गाइस इतना परफेक्ट है, अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं डन। फिर गाइस, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हुई गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस, फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग टू आप विग्नेट डाल देना जितना आप चाहो। देन गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा, यहाँ पे ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना आपको गाइस नीचे वाले टूल में, फिर उसके बाद गाइस जो फोटो की शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस, नीचे आपको मिलेगा नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस, फाइनली जो फोटो का रिजल्ट था वो हमारा आप सभी के सामने है। तो गाइस, आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, अगर आप भी फोटो को एडिट करोगे तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।